हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम लाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सो लाईफाई का मतलब है लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, जो कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो यूज़ करता है विजिबल लाइट। तो जो हमारा यूजुअल वाईफाई है वो यूज़ करता है रेडियो वेव्स को, रेडियो स्पेक्ट्रम को। लाईफाई यूज़ करेगा विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है हमारा, वायलेट से रेड तक, यानी 800 टेराहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक। अनलाइक वाईफाई जो कि हमने अभी बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो यूज़ करता है, जो लाईफाई है वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा। एंड जो इसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर लाईफाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर है। जैसे आपने रेडियोज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा AM एंड FM जो हमारे बैंड्स होते हैं, सो उसी तरीके से लाईफाई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी AM बैंड के ऊपर काम करता है ऑफ द लाइट सोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि जो मीडियम है जिसके थ्रू प्रोपोगेशन हो रही है डेटा की वो लाइट ही है, इन अ वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। सो LED जो हमारे लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू स्विच ऑन एंड ऑफ। एंड हमारी आई क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाती, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड LEDs की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इट इज़ इवन लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, सो विच इज़ वेरी फास्ट फॉर द ह्यूमन आई टू डिटेक्ट। एंड आपको कमेंट्स में बताना है कि ह्यूमन आई को परसीव करने के लिए, अगर कुछ ह्यूमन आई को देखना है तो वो जो फ्रेम की स्पीड है एटलीस्ट कितनी होनी ज़रूरी है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है जी। इसके बाद जो इनविजिबल ऑन ऑफ एक्टिविटी है इसकी लाइट ट्रांसमिशन की, वो की जाती है यूजिंग द बाइनरी कोड्स यानी 0 एंड 1, जैसे हम यूजुअल जो हमारे बाइनरी सिस्टम में देखते हैं, जो हमारा डिजिटल सिस्टम होता है, जैसे दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द डिजिटल सिस्टम्स, यहाँ पर 0 है यानी ऑफ है, यहाँ पर 1 है यानी ऑन है इन द सेम सेकंड, ठीक है जी। एंड दीज LEDs दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ वेरी क्विकली, जैसे अभी हमने देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है लाइट की। एंड जो और इनका फ़ायदा क्या है कि जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है जी। एंड इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है, 80% ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे वाईफाई से, एंड वी कैन अटेन स्पीड्स अप टू 1 Gbps एंड इवन बियॉन्ड दैट। मोर ओवर अगर हम फाइबर ऑप्टिक के साथ इसका कंपेरिजन करें, जो हमारी फाइबर होती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, टोटल इंटरनल लेक्शन के थ्रू, TIR के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है, द वेव ट्रेवल्स। बट एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइबर ऑप्टिक जो है वो लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, वेयर एज जो हमारी लाईफाई है ये वायरलेस कम्युनिकेशन है एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है। आगे देखते हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं दूसरे वेव रीजन्स की, वो क्या है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके। सो सबसे पहले हमारा रेडियो वेव्स का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें क्या चीज़ है कि जो हमारा वाईफाई है प्रेजेंटली या जो हमारे टेलीकॉम सिग्नल्स हैं, सो इनके स्पेक्ट्रम चार्जेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, एंड दिस इज़ एक्सपेंसिव एज वेल, क्योंकि लिमिटेड स्पेक्ट्रम को ही कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ही यूज़ कर सकता है। इसके बाद इंटरफेरेंस एंड इंटरसेप्शन के भी जो डर रहते हैं रेडियो वेव्स के केस में। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरे एंड गामा रेज हैं, तो ये दोनों हार्मफुल हैं टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हेल्थ के लिए थोड़े इनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको भी डिस्कार्ड किया जाता है। यूवी लाइट को कंसिडर कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन उन्हीं प्लेसेस पर जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो इनके भी जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स दिखते हैं हमें। एंड इंफ्रारेड को हम यूज़ करते हैं ड्यू टू हाई सेफ्टी रेगुलेशन, इनको हम यूज़ नहीं करते एंड कैन ओनली बी यूज विद लो पावर, तो इसलिए ये भी थोड़े डिस्कार्डेड वर्जन में ही आते हैं। इसलिए मोस्ट एलिजिबल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो रेडियो वेव्स एंड जो विजिबल वेव्स ही हैं। रेडियो वेव्स की हमने जैसे शॉर्टकमिंग्स देख ली, तो अब विजिबल वेव जो हमारी जो लाईफाई है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो सबसे पहले तो इंटरनेट तब तक नहीं चलेगा जब तक आप किसी लाइट सोर्स के पास नहीं हो, तो परपेचुअली एक लाइट तो जलती रहेगी ही रहेगी। एंड इसके बाद इट रिक्वायर्स अ नियर और परफेक्ट लाइन ऑफ साइट एज वेल, तो अगर कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं तो सिग्नल में इंटरप्शन आ सकती हैं, डेटा ट्रांसमिशन में इंटरप्शन आ सकती हैं। नेक्स्ट नेचुरल लाइट है या सनलाइट है या फिर इवन जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइट है, वो हो सकता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है उसको अफेक्ट करे। एंड ऑल्सो जो लाइट वेव्स हैं वो वॉल्स के थ्रू क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इसलिए बहुत कम रेंज रह जाती है हमारे लाईफाई की। इसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम एक पूरा फुल फ्लेज डेटा नेटवर्क बनाने की ट्राई करें। मोर ओवर अभी मास स्केल पर इसको अडॉप्ट भी नहीं किया गया, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं लाईफाई की, ऑल्दो स्पीड्स बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं लाईफाई के केस में। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।